आठ में 52, 10 में 31 टन है। गेज इसका 20 नंबर है और वेट इसका 1500 यानी कि 1 किलो 500 ग्राम वायर है इसका। और स्टार्टिंग है जो स्टार्टिंग यहाँ 5, 7, 9 में है और इसमें 23 नंबर इसका गेज है। पाँच यहाँ भी ये 3 HP हैं, 220 वोल्ट में ये चलती है, 1440 इसके RPM में। यहाँ से इसके कनेक्शन के ऊपर आते हैं और कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं कनेक्शन इसके किस प्रकार से होंगे। कनेक्शन इसके सादा कनेक्शन है तो जो सीरीज कनेक्शन है इसके, सीरीज में इसके कनेक्शन होंगे। यहाँ से हमारे पास में 8 वायर बचते हैं, हम पहले रनिंग का कनेक्शन करेंगे और रनिंग पर यहाँ से हम लेंगे इस कॉइल का। ये दोनों कनेक्शन हैं तो यहाँ से ये छोटा वाला है तो छोटा वाला हम बाहर निकालेंगे कुछ रेड वायर की मदद से। यहाँ पे इस रेड वायर को हम कनेक्शन मानते हैं तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से यहाँ से जॉइंट करना है। निकाल दिया, उसके बाद में इसी कोयल का बड़ा वाला कनेक्शन हमने लिया है जिसके सामने वाली कोयल का बड़ा वाला कनेक्शन यहाँ से उठाना है, बड़े से बड़े को यहाँ पर जॉइंट करना है। यहाँ से हमने बड़े से बड़े को जोड़ दिया है, उसके बाद में इसका अगला वाला लेते हैं। अगला वाला छोटा हमने सिरा हमारे सामने आ रहा है, छोटे से हमने छोटे को जोड़ना है, जो छोटे से छोटे को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ऐसे कुछ स्लू डालकर अच्छे से यहाँ से छोटे को कनेक्ट करना है। इस प्रकार से यहाँ से जोड़ने के बाद में कुछ इस प्रकार से इसको टाइट करना होता है प्लास और कटर की मदद से। टाइट करने के बाद में कुछ फ्यूज़ इसमें भी डाल दीजिए ताकि आप स्लीव इसमें भी डाल दीजिए ताकि आप जब बड़ी स्लीव इसके ऊपर पहनाए तो वो फटेगी नहीं और कभी कनेक्शन गर्मा भी जाए तो यहाँ से जल बाहर स्पार्किंग नहीं होगी। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में बड़ा वाला सिरा बचता है जो बड़े से आगे की जो इस कोयल है उसके बड़े से बड़े को कनेक्टिंग करना है। इस कोयल का बड़ा और इस कोयल का बड़ा दोनों को यहाँ पे कनेक्टिंग करना है। यहाँ से बड़े को कनेक्टिंग करने के बाद में उसके बाद में अगला सिरा बचता है जो हमारे छोटा वाला निकलता है तो उसके आगे कोई कनेक्शन नहीं है खुले वाला तो हमारे पास में ये कनेक्शन के रूप से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से इस पर एक वायर जॉइंट करते हैं। हमने छोटे पर से कनेक्शन निकाल दिया, उसके बाद में इस कनेक्शन को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से इस कनेक्शन को बाहर निकाल लेते हैं और इधर से भी इस कनेक्शन को बाहर निकाल देते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, यहाँ से छोटे से कनेक्शन हमने निकाला था, बड़े से बड़े को कनेक्टिंग किया, छोटे से छोटे को कनेक्टिंग किया और उसके बाद में बड़े से बड़े को कनेक्टिंग किया और छोटा वाला हमारे कनेक्शन के रूप से बाहर निकल गया। तो यहाँ से अच्छी तरह से कनेक्शनों को चिपका लेते हैं। यहाँ से दोस्तों हमारा रनिंग का डाटा हमने पूरा आपको कंप्लीट बता दिया है कनेक्शन, और अब हमारे को यहाँ से स्टार्टिंग कनेक्शन स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग कनेक्शन सबसे पहले इस कॉइल का छोटा वाला कनेक्शन, यहाँ से हम इसको एसी में लगा लेते हैं तो इसको कनेक्शन के रूप से बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद में दोस्तों इसी कॉइल का जो बड़ा वाला कनेक्शन है इसको हमने बाहर निकाल दिया और इसी कोयल का जो बड़ा वाला कनेक्शन ये है इसी को आगे के बड़े वाले कोयल से कोयल का बड़ा वाला सिरे से कनेक्शन से मिलाना है। इन दोनों को यहाँ से कनेक्टिंग आगे अब छोटे से हम छोटे को कनेक्टिंग करेंगे जो कि छोटे से अगले कोयल का छोटा है। इन दोनों को कनेक्टिंग करेंगे।
इसमें आपको बता देते हैं कि 23 नंबर गेज है, उसके बाद में बड़े से और बड़े को कनेक्टिंग करेंगे। और जो हमने पहले रनिंग का इसका कनेक्शन किया था रनिंग में, इसमें 20 नंबर गेज है। और वेट इसका रनिंग का वेट था दोस्तों 1 किलो 400 ग्राम, स्टार्टिंग का वेट था 420 ग्राम। रनिंग थी इसकी 4-10 में, स्टार्टिंग 5-7-9 में। यहाँ से बाकी हमारे पास में अगला वाला बताए जो कनेक्शन निकलता है, जो हमने कनेक्शन पहले से कंप्लीट निकाल कर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे कनेक्शन पूरे हो जाते हैं जो कि सीरीज कनेक्शन है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हरी सीट लगाना ना भूलें, क्योंकि स्टार्टिंग और रनिंग एक जगह नहीं रहनी चाहिए। कहीं आप लोग